गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सीमा लक्ष्मी गार्डन से। आप ये प्लांट मेरे देख रहे होंगे और ये ककड़ी का प्लांट है और ये देखिए ककड़ी लगी भी हुई है। आप देख रहे होंगे कितनी बढ़िया सी ककड़ी लगी हुई है और इसमें भी ये देखिए कितनी अच्छी सी ककड़ी लगी है। आज मेरे इन प्लांट को लगाए 80 दिन हो गए हैं, मतलब 2 महीना और 20 दिन। तो मैंने फरवरी में लगा दिए थे और ये देखिए क्या रिजल्ट मिला है मुझे, कितनी बढ़िया बढ़िया सी इसमें ककड़ी लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ककड़ी लगी हुई हैं आप देखिए। और कोई भी काम अगर मेहनत से करते हैं, विश्वास से करते हैं, लगन से करते हैं तो वो सक्सेसफुल इसमें ज़रूर होते हैं कोई भी काम करें। तो मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने अपने टेरेस गार्डन पे ककड़ी और खीरा और तरबूज है, खरबूजा है, सबकी सबको ग्रो बैग में लगाया था। ये देखिए सब सारे ग्रो बैग मैंने लगाए थे और बहुत ही अच्छा हमें इनका रिजल्ट मिला है। आप ककड़ी देख रहे होंगे, हर एक ब्रांच में ककड़ी लटक रही है और अभी छोटी छोटी सी हैं, कोई बढ़ रही हैं कोई छोटी छोटी सी हैं, और लेकिन मुझे रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला है। तो आज मैं ककड़ी तोड़ूंगी भी और आपको दिखाऊंगी, खीरे भी लगे हुए हैं। तो हम सोच रहे थे पता नहीं इसमें खीरा ककड़ी, क्योंकि ग्रो बैग में मिट्टी एक सीमित होती है, सीमित मिट्टी में ये सब जो बेलें होती हैं ज़्यादा मिट्टी में फैलती हैं, क्योंकि खेत में ये किसान लोग खेत में ही खेती करते हैं तो खेत में ज़्यादातर बहुत अच्छी इनकी फल आते हैं और बहुत बढ़िया इनकी ग्रोथिंग होती है। लेकिन ग्रो बैग में अगर जो मैंने देखा कि ग्रो बैग लगा के मिट्टी ज़्यादा से मिट्टी भर के देखते हैं, बड़े बड़े से ग्रो बैग बनाए, तो उसमें भी हमको ये बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। तो मैं आपको भी खीरे का प्लांट भी दिखाती हूँ। खीरे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं, लेकिन हाँ हमको लगे हैं। ये देखिए ये लगा है, ये लगा है और इसमें देखिए ये अब बड़ा हो गया है, मैं आज इसको तोड़ूँगी। ये देखिए ये खीरे ये लटक रहे हैं, खीरे ये खीरा और ये छोटा सा लगा हुआ है। तो ये खीरे लगे हैं ये देखिए, और कोई कोई खीरा टेढ़ा हो गया है, हमें लग रहा कुछ इसमें किसी चीज़ का अटैक हुआ है किसी कीड़े का, तो मैंने पेस्टिसाइड दिया भी था। ये देखिए पत्ता पीला हो गया है। तो अभी कोई कोई खीरे का जो प्लांट है वो कुछ गड़बड़ हुआ है, इसमें कीड़ा टेढ़ा हुआ हो गया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट तो वही रहेगा। और ये देखिए इसमें लटक रहा है ये खीरा बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए ये भी लटक रहा है, ये भी सीधा बिल्कुल गया है। तो इसमें भी और सारे छोटे छोटे से लगे हैं। ये देखिए ये खीरा लगा हुआ है, खीरा लगा हुआ, ये भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसमें बहुत ही अच्छे खीरे लटक रहे हैं, बढ़िया से लंबे लंबे से। आज मैं इनको तोड़ूंगी और अपने टेरेस गार्डन के खीरे का आनंद उठाऊंगी और मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका मिला। ये देखिए खरबूजा लगा हुआ, खरबूजा भी बढ़ रहा है और ये तरबूज का प्लांट लगा हुआ, तरबूज की बेल भी बहुत अच्छी सी बढ़ रही है। इसमें तरबूज बस फ्लावर एक निकल चुका है, तरबूज भी आएंगे। बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट ये मैंने लगा रखे हैं तरबूज के और ही बहुत ही सक्सेसफुल मुझे रिजल्ट मिल रहा है। खेतों में लोग तो भरपूर मात्रा में पेड़ लगाते हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ लगाते हैं, लेकिन मैंने इसमें एक एक ग्रो बैग में एक ही एक पेड़ लगाया था, तो उसी हिसाब से मेरे ये खीरे लगे हुए हैं। और ये देखिए बहुत अच्छे फल आए हैं, तो मुझे इतने में संतुष्टि है कि आगे चल के मैं अगली बार जब ग्रो करूँगी तो और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाऊँगी खीरे के टेरेस गार्डन पे मैंने ग्रो किए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने प्लांट खीरे ककड़ी के लगाए और खुद से तोड़ रही हूँ। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कोई केमिकल नहीं पड़ा है, तो इससे आजकल कोरोना के पीरियड में बहुत ही फ्रेश खीरा ककड़ी आजकल गर्मियों में खाए भी जाते हैं, तो बहुत ही फ्रेश मेरे फल निकल रहे हैं।
थोड़ा सा टेढ़े हो गए हैं, लेकिन टेस्ट तो वही होगा। और अगली बार मैं जब ग्रो करूँगी तो बहुत ही और अच्छी तरीके से इनको देखभाल करूँगी। ककड़ी है तो बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया ककड़ी की ग्रोथ हुई है, देखिए बहुत लंबी सी ककड़ी है। तो इसमें जो लीव माइनर का अटैक हो जाता है, तो लीव माइनर का अटैक में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उसका पत्ता आप तोड़ दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये देखिए कितनी बढ़िया सी ककड़ी निकली है, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अपने टेरेस गार्डन से फल खीरा ककड़ी तोड़ रही हूँ, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और बहुत ही, ये देखिए कितनी ककड़ी लगी हुई है, और ख़रीद के तो सभी खाते हैं, लेकिन अपने घर में उगाने से और खाने से जो आनंद आता है, जो बढ़िया अच्छी बढ़िया लगता है, उसकी तो कुछ और ही आनंद है। और सुबह के 6:30 बजा हुआ है, मैं कितना अच्छा आनंद उठा रही हूँ कि अपने टेरेस गार्डन से फल तोड़ रही हूँ, और बड़ी खुशी हो रही है। आप लोग भी ऐसे ही अपने टेरेस गार्डन पे लगाइए खीरा ककड़ी, और देखिए कितना आनंद आता है, कितना बढ़िया लगता है जब आप कोई प्लांट लगाते हैं फल के, तो उसको फिर तोड़ते हैं, फिर उसको आप लोग सेवन उसका करते हैं। और धन्यवाद, आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और देखिए कितने ज़्यादा से फल मैंने आज तोड़े हैं। थैंक यू।